कांकेर के पंखाजूर में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी शंका इस बात की है कि यह हत्या है, इसके तार कहां तक जुड़ते हैं और क्या होता है, इन सब मामलों की पुलिस जांच कर रही है। हत्या का आरोपी जल्द ही सामने आएगा। साथ ही पुलिस को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून के आधार पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की बीजेपी सरकार में नक्सल गतिविधियां बढ़ी हैं वाले बयान पर मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जिसके कारण यह विषय बड़ा है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद नक्सली बौखलाहट में है। पूर्व में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे असीम राय जी, और अपने टू व्हीलर से वो जा रहे थे तो उनकी उस समय मौत हुई और एक्सरे हुआ है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ साथ थे। उन्होंने ये बताया है कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहाँ तक जुड़ते हैं, क्या होता है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा।